Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, जैसे कि हम लोग ने मंडे नाइट रॉ के रीसेंट एपिसोड में देखा था कि जो कि हमारे गाइस द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर गाइस उनको कन्फ्रॉन्ट करते हैं हमारे करंट WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेमन प्रीस्ट। और तभी गाइस ड्रू मैकइंटायर और डेमन प्रीस्ट गाइस एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे गाइस। तभी गाइस ड्रू मैकइंटायर ने डेमन प्रीस्ट को बोला कि भाई देख भाई, तू कैशिंग करके चैंपियन बना है, तूने कभी मेरे को हरा तो है नहीं सिंगल्स मैच में। तो गाइस डेमन प्रीस्ट ने गाइस सीधा ड्रू मैकइंटायर को बोल दिया कि भाई अगर देखो एक चांस चाहिए मेरे अगेंस्ट रेसल करने के लिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, तो ठीक है भाई रख ले वो चांस, जब तू ठीक हो जाएगा तभी देखो तेरा चांस मिल जाएगा फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। जिसे हमको पता है कि हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर अभी फिलहाल एक इंजरी से लड़ रहे हैं। तो गाइस तभी ड्रू मैकइंटायर इंजरी से ठीक हो गए, उनको एक चांस मिलेगा डेमियन प्रीस्ट को चैलेंज करने के लिए फॉर अ WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो गाइस पॉसिबली ये जो डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का गाइस जो मैच है गाइस फॉर अ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप गाइस, ये हमको होते हुए दिखने वाला है WWE के क्लैश एट द कैसल के प्रीमियम लाइव इवेंट में। जैसे कि हमको पता है गाइस WWE ने अनाउंस किया था कि हमको 15 जून 2024 को दिखने वाला है क्लैश एट द कैसल का प्रीमियम लाइव इवेंट जो कि होने वाला है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और जैसे कि हम सबको पता है कि जो कि हमारे ड्रू मैकइंटायर गाइस वो भी बिलोंग करते हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड से, तो डेफिनेटली ये मैच वहां पे ही होने वाला है। और गाइस चांसेस बहुत ही हाई है कि गाइस ड्रू मैकइंटायर हमको ये मैच में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हुए दिखने वाला है, क्योंकि हमको कुछ वक्त पहले रिपोर्ट मिली थी वो भी हमारे द रॉक ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि जो कि हमारे ड्रू मैकइंटायर गाइस उन्होंने ऑफिशियली WWE के साथ रीसाइन कर लिया और एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो पॉसिबली गाइस वो कॉन्ट्रैक्ट में गाइस ये भी रखा गाइस WWE वाले गाइस क्लैश एट द कैसल में गाइस ड्रू मैकइंटायर को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बना गए उनके ही सब लोगों के सामने। देखिए हमको पता है कि ड्रू मैकइंटायर अभी WWE चैंपियन बने थे, ब्रॉक लेसनर को हरा गए, तभी गाइस वो मैच गाइस परफॉर्मेंस सेंटर में हुआ था एक भी बंदे के सामने नहीं। तो पॉसिबली गाइस क्लैश गो स्कॉटलैंड जहाँ पे क्लैश एट द कैसल का प्रीमियम लाइव इवेंट होने लगा ये वो जगह हो सकती है जहाँ पे हमारे जो कि ड्रू मैकइंटायर बनते हुए दिख सकते हैं फाइनली द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और चांसेस इसलिए भी गाइस हाई बन रहे क्योंकि WWE प्लान कर रही है SummerSlam 2024 में CM Punk वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का सिंगल्स मैच। तो पॉसिबली गाइस मैच का स्टेक्स और हाई करने के लिए गाइस WWE वाले गाइस मैच में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखते हुए देख सकते हैं, क्योंकि जैसे हमको पता है कि तब से गाइस डेमन प्रीस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने गाइस जो रॉ का गाइस जो ओवरऑल शो है गाइस वो बहुत ही फीका हो गया है कंपैरेटिवली गाइस तभी सेथ रॉलिंस चैंपियन। तो डेफिनेटली गाइस WWE वाले बहुत ही बड़ा चेंज करते हुए देख सकते हैं और ड्रू मैकइंटायर को फाइनल उनका मोमेंट मिल सकता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनके। अगर जर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया करके कीजिए ये वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और प्लस अगर जर आपको हमारे चैनल के सब वीडियोस और अपडेट सबसे पहले चाहिए तो कृपया करके हमारे बेल आइकन को भी दबा के रख लीजिए, जिससे कि आपको सब अपडेट्स और वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन में आ जाए।